प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य? आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य, चूंकि 2022 के चुनाव में तमाम पार्टियां तमाम तरह की घोषणाएं कर रही हैं, हम लोग उन घोषणाओं पे कोई विश्वास नहीं करते हैं। हम लोग चाह रहे हैं कि अच्छे लोग को आप लोग चुन के विधानसभा में भेजें, जिससे समाज का कल्याण हो और समाज में व्याप्त जो कुरीतियाँ हैं या जो भ्रष्टाचार है उसको रोका जाए। इसीलिए हम लोगों ने 200 से ज़्यादा प्रत्याशी अभी तक उतार चुके हैं। भारतीय राष्ट्रीय जनतांत्रिक भारत विकास पार्टी हमारे पार्टी का चुनाव चिन्ह है कैरम बोर्ड, और हम जनता से अपील करते हैं कि सारे लोग कैरम बोर्ड का बटन दबाकर हमारे राष्ट्रीय जनतांत्रिक भारत विकास पार्टी के जो उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं उनको सफल बनावें, उनको विजयी बनावें। बनारस से कितने प्रत्याशी उतारे? देखिए, अभी तक तो हम लोगों ने बनारस से 3 प्रत्याशी घोषित कर चुके हैं, बाकी जो 2-3 बच्चे हैं वो भी मुझे कल तक हम लोग उनको उनकी घोषणा कर देंगे। कहाँ कहाँ से? कैंट से हमारे विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं शेख अंबर जी, और पिंडरा विधानसभा के हमारे नेत्राम जी आए हुए हैं वो हैं, और यहाँ पे रोहनिया विधानसभा से सुखू राम जी हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं। क्या मुख्य उद्देश्य लेकर आए हैं आप इस? हमारा मुख्य उद्देश्य है कि समाज में जो ऊंचाई भेदभाव तमाम तरह के लोग जात संप्रदाय को लड़ा के आपस में जो बिखराव पैदा हुआ है, मैं सारे लोगों को से निवेदन भी कर रहा हूं, और मेरा मुख्य उद्देश्य है कि समाज में व्याप्त जो ये भेदभाव है इसको ख़त्म करना है, और हम सब लोग साथ मिलकर समाज की सेवा करने के लिए एक साथ एक मंच पे आ रहे हैं, और हमारा पूरा संगठन अच्छी तरह से मजबूत हो गया है, हमारे साथ हर जात संप्रदाय के लोग जुड़े हुए। सर, 2022 की विधानसभा में आपका मुख्य उद्देश्य है राम राज्य की स्थापना करना। जी जी, तो किस प्रकार का राम राज्य की स्थापना? देखिए, राम राज्य के नाम से भी एकदम स्पष्ट है कि राम राज्य में सब नर कर ही परस्पर प्रीति, चलें स्वधर्म सुने सुरनीति। रामचरित मानस का मुख्य उद्देश्य एक ही है, वो है कि इस राज्य में ना कोई दुखी होगा, ना कोई आपस में लड़ाई करेगा, ना झगड़ा करेगा, और वो तभी सब संभव है जब हम लोग जाति धर्म को जात संप्रदाय को मिटा के भेद जातियों का भेदभाव मिटा के एक मंच पे कंधे से कंधा मिला के चलेंगे, तो भी हमारे देश का विकास होगा। और हम लोग का मुख्य उद्देश्य यही है, इसी उद्देश्य से हम लोगों ने हर बिरादरी के हर जात के लोगों को अपने पार्टी से चुनाव दिया, और सारे लोग सार स्वीकार किए हैं और हम लोग के साथ कंधा से कंधा मिला के चल रहे हैं। जैसा कि सर बीजेपी भी राम राज्य को लेकर चले, तो क्या ऐसा कोई आपके भी मन में है कि राम? नहीं, हमको हमें बीजेपी वाला राम नहीं चाहिए, हमें तो सनातन धर्म की रक्षा के लिए जिन राम ने जो कार्य किया है। अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय तिवारी जी ने आप लोगों को बताया अपनी पार्टी का गठन कैसे हुआ और इसके लिए हम लोग मजबूर क्यों हुए। हम लोग किसी को कुछ फ्री नहीं देते, 300 यूनिट है वो कुछ नहीं, हम सिर्फ अपनी धरती को पकड़ने के लिए, अपने आप को करने के लिए हम लोग जगह जगह से इकट्ठा होकर के इस पार्टी का गठन किए हैं, और हम लोगों का मोटो ही यही है, हम जितने पर लड़ेंगे उसमें जितना भी पाएंगे लेकिन ये हमारा बेस होगा, आने वाले समय में हमारा काम बोलेगा, हम नहीं बोलेंगे। और रहा समय के साथ, तो समय के साथ इसका दिया जाएगा, कुछ भी फ्री हम नहीं देने वाले हैं, लेकिन हम आपका मत लेंगे, वोट लेंगे, सपोर्ट भी लेंगे, और आने वाले चुनाव में अपने प्रदर्शन से ही बताएंगे, मीडिया बोलेगी फिर कि प्रदीप मिश्रा क्या बोला था और क्या हुआ है। धन्यवाद। गुरु जी परिचय चले। मैं महास्वामी श्रीमद धर्मदत्त जी महाराज, अंतर्राष्ट्रीय प्रमुख विश्व गुरु भारत परिषद, सर्वोच्च समिति अखिल भारतीय रामराज्य परिषद, संरक्षक क्षत्रिय महासभा। गुरु जी, ये जो पार्टी है आपकी, ये किन मुद्दों के साथ मैदान में उतर रही है और क्या इनकी? ये जो है राम राज्यवादी पार्टी है, हमारी पार्टी जो है धर्म सापेक्ष है, भारतवर्ष में जितनी पार्टियां सब धर्म से निरपेक्ष है, तो जाहिर है वो लोग धर्म से निरपेक्ष हैं, अधर्म फैला रही है, जनता त्राही त्राही कर रही है, चारों तरफ पूरे प्रदेश में देश में इस वक्त जनता त्राही त्राही कर रही है। अगर गुरु जी बात की जाए हिंदुत्व की, लगातार बीजेपी सरकार हिंदुत्व की बात करती है और हिंदुत्व खतरे में है, कहते हिंदुत्व को बचाना है तो बीजेपी सरकार लाई। हाँ, बहुत सुंदर जी, इस पे क्या कहेंगे? इस पर मैं यही कहना चाहूंगा कि काशी में इतने मंदिर तोड़ दिए गए, हजारों पौराणिक मंदिरों को तोड़ करके एक कॉरिडोर बनाया गया जो कि पर्यटक की दृष्टि से बनाया गया, धार्मिक वहां धार्मिक महत्व को समाप्त कर दिया गया। वहां पर एक अभी मोदी जी कनाडा से एक मूर्ति लाए हैं अन्नपूर्णा की,
खंडित मूर्ति उसको बैठाएं, खंडित मूर्ति की पूजा करने से समाज में कलह क्रोध द्वेष आदि आसुरी भाव की वृद्धि होती है, साथ ही राष्ट्र समाज में अजारी बीमारी अतिवृष्टि अनावृष्टि अकाल भूकंप आदि प्रकोप से राजा प्रजा का क्षय होता है। तो धर्म के नाम पर अविवेकी लोग हैं, ये लोग आर समाजी हैं, आज धर्म को नमाजियों से नहीं आर समाजियों से खतरा है। तो जिस तरह से आप बात कर रहे हैं विश्वनाथ धाम की, तरह से मैं जो आपने कहा कि जो मूर्ति का बनाया गया उस पूजा नहीं होती, लेकिन जो विश्वनाथ धाम में मूर्तियां रखी गई जो पूजा हो रही है और विश्वनाथ धाम को जो लोकार्पण किया गया, ऐसे तो वहां के पुजारी पूरी तरह संतुष्ट हैं? पुजारी सब वहां पर नौकर हैं, सरकार ने अधिग्रहण किया, सरकार ने मुसलमानों का हजरत बल दरगाह कश्मीर अधिग्रहण किया दुर्व्यवस्था दूर करने के लिए, सिखों का स्वर्ण मंदिर अधिग्रहण किया दुर्व्यवस्था दूर करने के लिए, दे दिया गया दुर्व्यवस्था दूर करके, मगर हिंदुओं का मठ मंदिर और तीर्थ स्थल कब्जा करके सरकार वहां उसको 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 जो है एक व्यवसायिक केंद्र बना करके लूट रही है। जी गुरु जी, इसमें हिजाब बनाम भगवा का मामला बड़ा तेजी से उछला हुआ है और देखा जाता ये भाजपा की साजिश है। हमारे यहाँ क्या है कि भजन भोजन और खजाना और नारी ये सब है पर्दे की अधिकारी, और एक महिला को, एक पर्दे वाली महिला को जय श्री राम का नारा लगा करके भगवा पहन करके दौड़ने वाले ये सब आतंकी हैं भाजपा के संगठन की अधिकारी, और एक महिला को, एक पर्दे वाली महिला को जय श्री राम का नारा लगा करके भगवा पहन करके दौड़ने वाले ये सब आतंकी हैं भाजपा के संगठन के संघ के लोग हैं, बीप के लोग हैं, ये इसका मैं प्रतिकार करता हूं। हमारे यहाँ सिर्फ भगवा आदर्श नहीं है, हमारे यहाँ नवग्रह है, नवग्रह में सारे रंग समाहित हैं, इसलिए हमारे जितने भी हमारे रंग हैं सब आदर्श है हमारे लिए, नवग्रह आदर्श है उसमें सारे रंग समाहित है, और किसी भी न किसी रूप में तमाम मत के लोग, उस दुनिया भर के मत के लोग उसको पूजते हैं। गुरु जी अगर बात की जाए तो DTCM ने कहा था काशी अयोध्या, ठीक है अब मथुरा की बारी है, तो आप तो कह रहे हैं कि जिस तरह से हिंदुत्व की बात अगर बात की जाए तो अब जो वहां के जो मथुरा है वो निर्माण अभी जारी है। अभी मैं आपको बता दूं, अयोध्या का पर आइए, मैं सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या का पैरवीकार था सर्वोच्च धर्माचार्यों की तरफ से, मैं रामालय ट्रस्ट से जुड़ा हूं और रामालय ट्रस्ट को ही अधिकार था, उसने मुकदमा लड़ा सुप्रीम कोर्ट पे, मैं पैरवीकार था, और अयोध्या का नक्शा किसी के पास नहीं था, जर्मनी के एक किताब में था, प्राचीन ग्रंथ किताब में था, वो मैंने सुप्रीम कोर्ट में पेश किया हूं, और उसके बाद मुकदमा जीतने के बाद मैं प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया हूं, जिसका सारा फोटो वगैरह सब मेरे पास है, और हम लोग फिर उसके बाद मोदी ने सेकुलर संविधान का शपथ लेने वाले नरेंद्र मोदी ने, सरकार ने उस ट्रस्ट को दरकिनारे करके एक नया ट्रस्ट गठन कर दिया, नकली अपने संघ के लोगों को रख करके, और मंदिर बनाया जा रहा है, ये मंदिर नहीं बनेगा, वो मंदिर भी नहीं अयोध्या में बन रहा है, वो तो अजायब घर बन रहा है अमंगल मुहूर्त में। हम लोग का जो अभियान है वो है आदर्श राम का मंदिर, हम लोग चाहते हैं आदर्श राम का मंदिर बने, महान वास्तु शास्त्र बने, परिपूर्ण विधान। कुछ आपने पूछे कि अभी तक लगभग 200 प्रत्याशी पूरे प्रदेश में जहां तहां हम लोगों ने उनको सिंबल दिया है और वो कई जगह नामांकन हो चुका, अभी विज्ञप्ति मिली।